शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, पंजाब में मुर्गी को क्या बुलाते हैं? सर, कुकड़ी। चिकन। और लड़की को कुड़ी। कुड़ी। कुकड़ी। 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 वाओ सर, ये जो मेडल्स हैं आपने जीते हैं। मेरी बीवी तो आर्मी में थी नहीं, तो जाहिर है कि मेरे ही होंगे। सॉरी सर, दरअसल आपकी पर्सनालिटी के सामने मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूं, इसलिए बेवकूफों जैसे सवालात कर रहा हूं। कोई बात नहीं। और सर, वो जो मेडल्स के साथ वो चाइनीज पॉट है जो एंटीक दिखता है, वो क्या चाइनीज टी के लिए, चाय के लिए? इसमें मेरी माँ की चिता की राख है। लगता है कि उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे ना? अब भी करता हूँ। बहुत कोशिश की हमने उसे बचाने की, लेकिन जो भगवान को मंजूर था। छोड़ी ना पापा, डिनर स्टार्ट करें। पनीर। One second. अरे बेटा, ये लाने की क्या जरूरत थी? पहली बार आया हूं इसलिए। लाओ, मैं खोल देता हूं। नहीं सर, प्लीज मुझे मौका दीजिए। आई लाइक टू प्रपोज अ टोस्ट टू द ब्रेव कर्नल, हिज ब्यूटीफुल वाइफ एंड टू योर सुंदर कुड़ी। May one day you find a very handsome man. First time. Sorry, sir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ये क्या किया तुमने? सॉरी सर। ये लक्ष्मी चिट फंड वाली मेरे को क्या सवाल पूछेगी रे? दिल्ली का कैपिटल इंडिया, मुंबई का कैपिटल धारावी। तूने कहा था 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लेते तो नहीं है। सही है ना, 1 करोड़ कर देंगे ना। 20 तूने उससे लिया, बाकी 50 कहां से लाएगा? ये 50 और बाकी ये 50 हो गए। एक ये कौन 50? अभी से डबल कर दिया। तू ये 50 कहां से लाया? अरे जिससे भी लाया उसको दे दूंगा ना डबल। आ गई माल, आ गया। वेलकम। ये अनुराधा जी हैं। अनुराधा, आपका नाम भी अनुराधा है? आपका भी मतलब आपका नाम भी अनुराधा है? जी नहीं, जी मैम। चाचा, ये श्याम है। मैं बाबूराव गणपत राव आपते। आइए अंदर चल के बात करते हैं, बहुत धूप। आइए। श्याम, नाइस नेम। अनुराधा, नाइस कॉफी। थैंक यू। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए कागजात। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? जी। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। गुड। जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। दैट्स स्ट्रेंज। या आई नो। ये मेरा डिग्री है।
ये हाँ। ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए ये सर्टिफिकेट के साथ। अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी कंपनी ऐसी कौन सी बिजनेस करती है जो 21 दिन में हमें हमारे पैसे डबल वापस मिलते हैं? That's a very intelligent question. देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। Oh, I see. यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में जाते हैं। भगवान के वास्ते चुप रहो ना। Are you satisfied, Mr. Shyam? जी, sure. आप तीनों के पैसे डबल हो जाएंगे। ताली नहीं, पैसे पैसे। Oh, oh. ये रखिए, इसमें रिसीट इसमें है। 50 लाख का, इसमें 50 लाख, 1 करोड़ हो गया। हाँ, okay. Okay, okay. Congratulations. बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ इसको पति बना, अपन इसका पैसा ले लेते हैं। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात को तू चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती और है। नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती है। और कहा जाती है बोलो? तुम बोलो। दीदेन के यार के घर में। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी, सनी। सनी नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। टिकट 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 भैया अगला स्टॉप। लास्ट स्टॉप। 1,000 करोड़ भाई साहब, 10 रुपए के लिए क्या पूरी तनख्वाह दोगे मेरे को? छोटा लाओ। अरे होगा ना आपके पास छोटा? नहीं छोटा नहीं। जल्दी करो ना, मेरा अगला स्टॉप है प्लीज। एक काम करिए, इनके और इनकी बेटी की टिकट ले लीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। तो इनके और इनके पति की टिकट दे दीजिए। ये मेरे पति नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इनके और मेरी टिकट दे दीजिए। अरे भाई साहब पूरी बस की भी टिकट खरीदोगे ना तो 1,000 का छुट्टा नहीं मिलेगा आपको। आप जल्दी करो ना प्लीज, आप एक काम करो ये रखो और इनकी भी टिकट कटवा दो प्लीज, जल्दी मेरा स्टॉप आ रहा है। लेकिन टिकट दो। ये लो। आप एक काम करो ये रखो। अरे थैंक यू मैडम। टिकट टिकट। अरे मेरा नोट तो दो। हाँ ये लो। हाँ सुनिए मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैडम भागिए मत, देखिए मैं। सुनिए सुनिए माधुरी जी सुनिए। मेरा नाम माधुरी नहीं है। तो क्या आपका नाम? आपसे मतलब नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि वैसे आपका भी कोई मतलब नहीं मेरे साथ, लेकिन आपने मेरी टिकट निकाली इसलिए मैं। देखिए मेरा स्टॉप आ रहा था, मुझे जल्दी थी, अब जाओ मैं। आप मेरी बात तो सुनिए, एक मौका तो दीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप पैसे मैं देता हूँ ना। मैं उसकी कोई जरूरत नहीं। आइए ना प्लीज 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 आइए मैडम। ए कितने का? 10 रुपए का एक। दो लगा। मुझे नहीं खाना। अरे बहुत फेमस है यहाँ का, आप खा के तो देखिए। एक बार तू लगा ला है, मेरा मुंह क्यों देख रहा है? ये लो साहब। ये लीजिए मैडम एकदम गरम गरम। ये लो साहब कड़क भुट्टा। ये ले 1,000 रुपए। साहब 1,000 रुपए का छुट्टा नहीं है। अरे इतना बड़ा बिजनेस खोल रखा, छुट्टा नहीं तेरे पास? मांग ले किसी से। साहब सवेरे सवेरे का समय, 50 का छुट्टा भी नहीं है। अरे होगा यार, पंखे वाले से पूछ। आप ये लो, आप ये लो रखो। अब 30 हो गया। मेरी बात सुनिए। अबे देना।
ये आपने क्या किया नीलिमा जी, अब मुझे आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए मेरा नाम नीलिमा नीलिमा नहीं है और मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ? मैं आपके पैसे देके रहूंगा, आप मुझ पे एहसान नहीं कर सकती ऐसे। आप एक काम कीजिए, यहाँ गोले वाला खड़ा, मैं आपको छुट्टे देता हूँ। आइए 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 प्लीज, समझा करिए आइए। एक गोले वाला, दो गोले लगा बेटे। जी सर। ये लीजिए, बहुत फेमस है यहाँ का। ए ले बे, छुट्टा नहीं है। वापस लाबे। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। बस 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 बस, थैंक यू। संभाल के मैडम। आइए आइए, कितना हुआ? 60 रुपए बाबूजी। ये लो 1000 का नोट। छुट्टा नहीं बाबूजी। ये क्या कर रहे हो यार, आपके छुट्टे नहीं होते, गरीबों की बस्ती है, जिससे मांगू किसी के पास छुट्टे नहीं है यहाँ। ये क्या कर रही है आप, 60 रुपए? अच्छा ठीक है, अब 110 रुपए हो गए। एक काम करते हैं, वहाँ एक घोड़ा गाड़ी वाला, वो बहुत फेमस है, वहाँ चलते हैं। Enough, हा? मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपके पैसे देके रहूंगा। वो आ रहा है। अरे भाई सनी, तुमसे कितनी बार का तुम किराया, कितनी बार का आया किराया तो दो। अंकल जी, डैडी को पता भेज दिया, वो पैसे भेजते होंगे। हाँ मगर ये बात याद रखो कि इस बार पैसे नहीं आए तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अंकल जी, मैंने कभी आपको तंग किया? आंटी जी, कभी तंग किया मैंने? तो फिर आप ये सफाई क्यों नहीं करते हो रेलिंग की? ये देखो। तुम किराया तो दो, रोज सफाई हो जाया करेगी, फिर क्या है? वो चला गया। तो बोला तो करो, मैं खामखा उधर बोल रहा हूँ। दुग्गल साहब है? हाँ है। तो चिट्ठी आई है सनी के नाम पर, वो इन्हीं के यहाँ रहते हैं ना? अबे हाँ यही रहते हैं, जा। दुग्गल साहब, सनी की चिट्ठी आई है। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? दो दो हा? दो चिट्ठियां हैं, दूसरी किसकी है? एक ही है, मैंने कहा दो। ओ, तो लो और इसको रवाना करो। हाँ हाँ, तो जा रहा हूँ। तो जाना नहीं तो क्या, यहाँ खाना खाएगा, नींद मारेगा? गया कि नहीं? चल पढ़ चिट्ठी। अरे सनी की चिट्ठी है, हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इन्हें, वो हमारा किरायादार है, हमको मालूम होना चाहिए वो कैसा आदमी है, कैसे लोग उसको चिट्ठी लिखते हैं। हाँ। पढ़। अरे पढ़ ना, खोलने तो दीजिए। लोहे की चिट्ठी है जो इतना वक्त लग रहा है। प्यारे बेटे सनी, जब से तुम गए हो मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे जहाज उदास खड़े हैं, उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं है। बेटे तुम्हारे बगैर मेरे 6 बंगले और 8 फैक्ट्री किस काम के? सुना है तुम किसी फकीर के यहाँ रह रहे हो। अगर कुछ दिन और रहना हो तो मुझे लिखो, मैं तुम्हारे मकान मालिक को एक बड़ा बंगला गिफ्ट करूँगा। तुम्हारा पापा? अरे क्या हुआ? सॉरी अंकल जी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटे? ना पापा का कोई मनी ऑर्डर है, ना कोई खाता है, किस मुंह से रहूं यहाँ? तू उस दिन की बात का बुरा मान गया? तुझे यहाँ कोई तकलीफ है बेटा? नहीं नहीं, ना जेब में फूटी कौड़ी है, 10,000 थे आप कंसों ने छीन लिए, और आप कह रहे हो कोई तकलीफ है। अरे तू 10,000 की क्या बात करता है, तू मुझसे बोल, मैं तुझे रोज 10,000 दूंगा। मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। आज से ना तू खाना यही खाना, और मैं तेरी लॉन्ड्री में क्या करूंगी? अच्छा हाथ तो छोड़ दो, और कच्चे कौन धोएगा? वो मैं धो दिया करूंगा, तू बोल तो मैं तुझे नहला दिया करूंगा। मगर तू यहाँ से कभी जाना नहीं है। नहीं जाना बेटे कभी। एक बात बोलूं, किसी ने सही कहा है कि अगर सच्चा प्यार पाना हो तो किसी गरीब की कुटिया में आकर रहना। आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं, आइए आइए तीनों आइए। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। सेठ जी, अरे ये झूठ बोलते हैं, इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला ताप, ए ताप, धूप ताप लेने ता, दिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल, नहीं, 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 नहीं। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? ए तुम दानपति ले ले, तामने से जवाब, तामने से जवाब देता है तू, वो तेरी तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है।
20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात तीसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रहा, लात कैसे मारेगा? बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं है, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता? 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल डालता है? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं ताले, दिवाली रात पहचान तू ताले। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या माइला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं, उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तला में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। तोल रहा है तोते, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था? माँ कसम मैंने देखा है, इनका बाप ना, इनका दादा, वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल, माजा दिल, तू ही माजी मंदिर, कहीं भी के ना ये राधे। तू तोतला, मैं तोतला, मेरा काम वाला ले बाबा, काम वाला, मेरा तगा वाला ले तू। ए राजू, ए शाम, तान तोल के तुल लो, मेरा तोतला तगे वाले का पैसा खाया तुमने, साला लौटा देना, ना तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया, दे देगा रे, मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है ताले? चला पीछे मुड़ते देख। आइला इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। बेटी। जी माँ जी, मैं यहाँ हूँ। ओह, अरे तुमने मेरे समीर पर क्या जादू कर दिया है? जी। अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, उठते बैठते सोते जागते बस तुम्हारी ही बातें करता है। ये आप क्या कह रही है? आप अच्छी तरह से जानती है कि कर्नल। बेटी मैं जानती हूँ कर्नल समीर से बहुत नाराज है। बेटी एक बार तो शादी के लिए राजी हो जा, कर्नल को तुम दोनों के बीच से हटना ही होगा। बेटी तुम डरना नहीं, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो कर्नल तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। समीर और रमा हा? मेरा बेटा दुनिया की वो खुशियां देगा जो कर्नल नहीं दे सका। तुम्हें कर्नल से डर लगता है तो मैं तुम दोनों को भगा के ले जाऊंगी। समीर अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या बात है, आ जाएगा। आ जाएंगे दादी माँ, लो आ दादी। समीर दादी बात होगी दादी? हाँ बेटा बात हो गई। वेरी गुड, रानी मान गई? रानी मान गई। अच्छा अब तू उसकी माँ से बात कर ले और वो कर्नल को मनाएगी। हाँ उसके बाद 11 रुपए प्रसाद चढ़ा देंगे, कथा समाप्त। दादी ये क्या? दादी ये पानी है, कॉफी ये रही। अरे बेटा जब से ये चश्मा टूटा है ना मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। दादी फिर आपने रानी से कैसे बात की होगी? अरे बेटा मुँह से बोला जाता है, आँखों से थोड़ी, और फिर तेरी पसंद तो अच्छी ही होगी। जी दादी, दादी हा? ये कितनी उंगलियां हैं? 4, 3, 2, 1। अरे बेटा अभी मैं पूरी तरह अंधी नहीं हुई हूँ, थोड़ा बहुत नजर आता है, और तू चिंता क्यों करता है? जा रानी की माँ से बात कर ले। समीर चलिए माँ जी। मैं आपका ये चश्मा बनवा देती हूँ। अच्छा बस कुछ ही समय में हम आपकी ससुराल पहुँचने वाले हैं। लो पहुंच गए।
जय कर्नल जुगराज सिंह। ये क्या है? अरे सेंट पीटर चर्च से होली बॉटल लेकर आया हूँ। जाओ, ना ही आपके होने वाले ससुर घर पर हैं और ना ही आपकी होने वाली धर्मपत्नी जी हैं। जाओ सीधे सुंदर सी सासू माँ से बात करो। वो मेरी बात सुनेगी ना? हाँ हाँ, अंदर जाकर कुंडी जरूर लगा देना। कुंडी क्यों बंद करूं? अरे नहीं, इससे ना ही वो बाहर जाएंगी ना ही तुम्हें बाहर निकाल पाएंगी। बात समाप्त होते ही कुंडी खोल देना, साधारण सी बात है। हाँ हाँ जाओ, हम हैं। ये लगाई कुंडी। समीर, तुम ये कुंडी क्यों बंद कर रहे हो? ताकि आप मुझे घर से बाहर ना निकाल सकें और आप खुद भी घर से बाहर ना जा सकें। इस यमदूत को भी अभी आना था। देखो समीर, तुम जो कुछ कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। प्यार करना कोई गलत है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी प्यार नहीं किया? किया है ना? नहीं। तो फिर मेरे प्यार पे इतनी पाबंदियां क्यों? देखो समीर, तुम जमीर, जमीर कहाँ है? आपकी मिसेज के साथ अंदर। क्या? आप अंदर नहीं जा सकते जब तक समीर का काम ना हो जाए। जब तक समीर का काम ना हो जाए? मुझे एक मौका दीजिए, मेरे पास प्यार में देने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ समीर, प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कह देंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अरे दो मिनट का ही तो काम है कर्नल साहब, कर लेने दो ना। देखता हूँ क्या कर रहा है वो कर्नल साहब। अरे लेकिन आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? जब दादी बात कर चुकी हैं, कर्नल तो सिर्फ आर्मी में कर्नल थे, आप इस घर की कर्नल हैं। अगर आपने हाँ कह दिया तो कर्नल भला क्या कर सकते हैं? समीर प्लीज फॉर गॉड सेक मेरा पल्लू छोड़ दो। अरे जो हो रहा है होने दीजिए चुपचाप, कहीं जवानी के जोश में भाग गए तो इज्जत किसकी जाएगी, बदनामी किसकी होगी? आप दफा हो जाए यहाँ से। फॉर गॉड सेक समीर, आपकी साड़ी अटक गई है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। रमा, रमा। हेलो कर्नल साहब। लो दुशासन को देख लो। बाबा इतना बड़ा तंबू में किधर ढूंढे करे तोतले को? बाबू ये देखो, कुठे? उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला तोतला है, तोतला मेलिया। इधर खाली पॉपकॉर्न ही मिलते हैं। चमाइला, ये टाइम से पहले आ गया, इसको अभी पैसा लग के किधर से देगा रे? एक काम करते हैं, इनसे पैसा लेके उनको दे देते हैं। हाथी? अभी तो हाथी बेचने को किधर जाएगा रे कूतरिया? अरे हाथी के पीछे देखो ना, वो क्या सफेद हाथी नजर नहीं आ रहा है? उसको दे देते, मैं अभी उसको बोल क्या तो बेचारे धूप में खड़े। अरे वो तुम्हारा मामा लगता है क्या? चलो। अरे अरे ए वो देखाया माल लेके भून देता है साले को। ये पब्लिक प्लेस है, इधर कुछ ऐसा नहीं करना। एक बार उसका सूरत देख लेने, फिर उसको सूरत स्टेशन पे भी जाके उड़ा सकते हैं। उसके लिए ये नकली नोट लाया हूँ, पहले उसके पास से असली माल ले लेते हैं। मेरा 2% नहीं बोलना। नमस्कार नमस्कार मंडली, ये ले माल लाया। तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे, पहले तू दे। देना दे, दे रे। वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले। ये ले पकड़। ये भाव, ये पहले माल चेक करके देख ले। अरे ईमानदारी की पीपड़ी बजाना बंद करो। तू भी चेक कर लेना, रोकड़ा एकदम असली है। फटाफट 40 लाख अलग कर लेते हैं, उसके बाद चल। तो इधर ही कर डालना। अरे इधर का, अरे इंक्वायरी, वहाँ चलते वहाँ चलते। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इसका बच्चा खो गया भाई साहब। हाँ भाई साहब, इसका बच्चा खो गया भाई साहब। मेरा बच्चा? उस बच्चे का नाम क्या है?
बाबूराव तो मेरा नाम है। जूनियर बाबूराव जल्दी जल्दी खोल रहा हूँ ना, एक मिनट बाबू भैया, एक मिनट। पूरा है रे, ला 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 ला, धोती छोटा बड़ा दो धोती पहन के आना चाहिए था। ये 500 के नोट में ये पाल कैसे आ गए रे बाबा? अरे ये तो मल्टी स्टार का नोट है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आ गए इसमें। टोपी पहनाया साले ने, मेरे को चूना लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट सोचने तो यार। अब क्या करेंगे राजू? सुन, मेरी बात सुनो। मेरे को मालूम है इसमें नकली नोट है, तुम दोनों को मालूम है इसमें नकली नोट है, लेकिन वो तोतला को नहीं मालूम है। तो उसको बोलना पड़ेगा ना। अरे उसको तुम प्लीज चुप रहो यार, प्लीज चुप रहो। एक काम करो, सब पैसे इसमें डालो और उसको दे देते हैं। चलो जल्दी करो। तिवारी सेठ इधर। हाँ पैसा, आ जाओ। चलो तालीस लात लाया। तुम लड़की लाए? लड़कियां लाए। पहले 40 लात दे, फिर मैं लड़कियां भेजता हूँ। तुम लड़कियां दो फिर मैं पैसे दूंगा। पहले तुम लड़कियां दो मुझे। लड़कियां खरीदता है? अरे खरीदा नहीं है रे, वो थोड़ी देर उसके पास रखा था, अभी वापस ले। आप रहने दीजिए प्लीज, आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए बहन जी, मुझसे गलती होगी, सॉरी, ले जाइए ने। बेशरम कहीं का। प्लीज चलो लड़कियां लाए। इसका तो सीटी भी तोतला है। ये आली रे अंधे है क्या हम लोग, देख रहे ना आली? हाँ ठीक है। ए ताने पताला ताल, पहले तुम लोग लड़कियां भेजो। जाओ ये लो। मेरे को नहीं उसको देने कह रहे। अरे बाबा आप लेके जाओ, हम लोग लड़कियां संभालेंगे ना, आप बड़े हो, जाओ हमारा आदमी। कैसी है? अरे छोड़ो ना, बातचीत क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। बाबू भैया कुछ किया तो नहीं इन लोगों ने? ये ले बाबा। बोले ताले तलाते है? पूरा तो नहीं है रे। हाँ बोले तो थूक लगा के नहीं गिना, लेकिन 100-200 ज्यादा ही होगा। सर जी ये देखिए सामान मैं ले आया। मेरे माल का सौदा। अरे बलदेव भैया तो धमाल हो दिया, धन भी आ दिया और धन भी आ दिया। ये ले ले, तेरा बच्चा सलामत रहे। जा के आगे। ए साले नकली माल बेचता है। चुप, तू कौन सा असली दिया? तू साला मेरे को एक एक नोट नकली दिया बैग के अंदर। ये तेरे को पता चलेगा कि बैग में नकली नोट है तो तू इसको छोड़ेगा? बाबू भैया तू बहुत डेंजर मानुस है ना। ए क्या बोला रे? ए गंजी फ्रॉक साला, सेठ का असली माल चुरा के हमको नकली माल देता है। अरे ये चप्पल फेंक के दांत तोड़ डालेगा तेरा। तालिता दे भी, तालिता दे लेता दाल डालूंगा तेरे तो। अपना माल वापस दे चल। अरे किधर से लाएगे रे माल? सड़क करके गया गांव और बाबूराव का नाम किधर से लाएगे? अरे भैया दाली देता हूँ तो